आसाबाद स्थित टूटी पुलिया के समीप चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन वृंदावन से पधारे साध्वी देवी गीता द्वारा भगवान कृष्ण रुक्मणी विवाह का वर्णन किया गया। वहीं सुदामा चरित्र का भी बखान किया गया। भागवत कथा के दौरान कृष्ण रुक्मणी विवाह में कन्या पूजन के लिए सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने दान पुण्य करने पहुंचे। कथा व्यास ने कहा कि दान पुण्य करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन में कुछ न कुछ अंश दान करना अति आवश्यक है। वहीं भगवान कृष्ण की आरती के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। इस मौके पर बहन सीमा यादव द्वारा 11,000 रुपए की धनराशि देकर साध्वी को सम्मान विदा किया गया। वहीं कार्यक्रम में आए साधु संतों का भी शॉल उड़ाकर सम्मान कर विदा किया गया। कार्यक्रम के दौरान परीक्षित महाराज बने शिव दयाल सिंह राठौर, एडवोकेट उनकी पत्नी रामबाला देवी, यज्ञपति पृथ्वीराज राठौर, पथरी सुदामा देवी, अरविंद राठौर, श्रीमती आशा देवी आदि ने साध्वी का जोशीला स्वागत किया। फिरोजाबाद से श्री कृष्ण चित्तौड़ी की रिपोर्ट, SKH न्यूज़।